16वीं शताब्दी से ही विशेष कला संस्कृति, पर्यटक स्थल, भारत की औद्योगिक व व्यापारिक नगरी मुंबई विले पार्ले के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय योगिनी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1951 में कांदिवली मुंबई के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको समाज सेवा, प्रकृति से प्रेम, आध्यात्म के प्रति गहरी अभिरुचि थी। आप शांत मूर्त, गंभीर, हर्षित मुख, परोपकारी भावना, नेतृत्व कला, ओजस्वी व दिव्य वाणी के धनी हैं। आपने लौकिक पढ़ाई ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी तक पूरी की है। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1963 में मुंबई से मिला। आप इस ज्ञान मार्ग की विशेष सात्विकता और पवित्रता को अपनाते हुए आपने भी अपना जीवन प्रभु राह पर समर्पित किया। आपको पहली बार सन 1963 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से और सन 1964 में यज्ञ माता ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा से मुंबई में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के दिव्य वरदान और मातेश्वरी के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारते हुए आपने सन 1973 से चेन्नई, सूरत, मुंबई, सांता क्रूज आदि सेवा स्थानों पर विशेष सेवाएं देते हुए सन 1980 से मुंबई विले पार्ले सेवा केंद्र की सेवाओं को संभाल रही हैं। आपने ऑस्ट्रिया, रशिया, यूएसए, अफ्रीका, जापान, सिंगापुर इत्यादि विदेशों में भी जाकर आध्यात्मिकता की जोत जगाई है। सन 1980 में विले पार्ले में एक सुंदर राजयोग मेडिटेशन सेंटर का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन दादी गुलजार जी के कमल हस्तों से हुआ। सेवाओं के विस्तार को देखते हुए सन 1985 में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े खास विदेशी भाई बहनों के लिए ओम निवास भवन का निर्माण करवाया गया। स्वर्णिम युग की स्थापना अर्थ आपने अनेक कार्यक्रम किए, जैसे युवा पदयात्रा, शांति यात्रा, पब्लिक हेल्थ मेला, फ्यूचर ऑफ पावर, इंडो रशियन कल्चरल प्रोग्राम आदि का सफल आयोजन किया। आप ब्रह्मा कुमारी के बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। इस विंग के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में आपने जीवन मूल्यों को व्यापार के साथ जोड़कर आंतरिक शक्तियों द्वारा सफलता कैसे प्राप्त करें, इसी उद्देश्य से आध्यात्मिक जागृति लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय 25 सेवा केंद्रों में 70 समर्पित भाई बहनों के मजबूत संगठन के साथ 5000 से भी अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में दैवी पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।